हाय फ्रेंड्स, सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ट्रेन टिकट बुक किया है और ट्रेन टिकट जैसे मान लीजिए अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर वही पर मान लीजिए जो और ट्रेन जाने वाली है जिसमें आपने टिकट बुक किया है और उसका चार्ट बन चुका है, तो आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होता है, तो उसका पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा। जिस ट्रेन का आपने टिकट बुक किया है उसका जो चार्ट है वह बन चुका है। जो चार्ट बन जाता है उसके बाद अगर आप कैंसिल करना जाते हैं, वहां पर यह बोलता है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिंपली अपना जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और लॉगिन करना होगा, या वेबसाइट से भी उसे लॉगिन करने तो भी चल जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, तो आप जा सकते हैं माय अकाउंट में, माय ट्रांजैक्शन में फाइल TDR। तो फ्रेंड देख सकते हैं अगर आपको यह 22 तारीख वाला इस टिकट को इस हमें फाइल TDR करना है तो इस पर क्लिक करना हो। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने टिकट बुक किया था, 2 पैसेंजर इसमें ऐड किए थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यह लोग आज इसी ट्रेन से जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर हैं, तो अगर आप जिसका आप टिकट पर क्लिक करना चाहते हैं उस पर आपको यहाँ पर चेक मार्क लगा देना होगा। अगर आप सिलेक्ट ऑल पर करेंगे तो दोनों का लग जाएगा। अगर आप किस एक का करना चाहते हैं तो किसी एक का यहाँ पर कर सकते, तो आपको सिलेक्ट TDR रीजन इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर कोई सा भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना होगा, जिस जो भी आपका रीजन होगा यह कि देख लिया जाएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी रीज़न यहाँ पर दिखाने के लिए आपको ले रहा हूँ। ऑल कन्फर्म पैसेंजर नॉट ट्रैवलर, मतलब कि कई सारे रीज़न है, यहाँ पर जो भी आपको लेना है वह ले लीजिए। जो यहाँ पर मैं ऑल कन्फर्म पैसेंजर नॉट ट्रैवलर इसको ले रहा हूँ उसका यहाँ पर देख सकते हैं TDR फाइल पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो TDR है वह की हो जाएगा। TDR फाइल होने के बाद फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद आपके ईमेल पर एक मेल आएगा और उस पर लिखा रहेगा कि आपका जो TDR फाइल आपने किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। मगर वही प्रिंट मान लीजिए आपके ईमेल में जो मेल आया है उसमें लिखा है कि आपका TDR फाइल जो आपने किया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, जो आपने रीज़न दिया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपका पैसा वह पर रिफंड नहीं होगा। तो मैं यह पर हमें TDR फाइल नहीं करना है, इसके आगे आप फाइल TDR पर क्लिक कर देंगे तो आपका TDR फाइल हो जाएगा। तो यह कुछ इस तरह से आप फाइल TDR कर सकते हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद।